नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पिनल कोड के 50 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। 50 क्वेश्चंस को इसमें रखा गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि ये 50 क्वेश्चन की लिस्ट आपको मेरे वेबसाइट www.rpfldc.com पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ आप विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी फायदेमंद होने वाला है आपके परीक्षा के मद्देनज़र। तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो पाए। तो चलिए देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण 50 सवाल दिए गए हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि द आईपीसी केम इन टू ऑपरेशन ऑन, मतलब आईपीसी लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862 को बना। कब था ये? 1860 में बना था। और कौन सी कमेटी थी? तो मैकाले कमेटी थी, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल के साथ हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखते चलेंगे। मैकाले समिति ने आईपीसी बनाया था। चलेंगे दूसरे सवाल पर। पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन, तो लोक सेवक जो है किस में डिफाइन किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 21 में किया गया है। तीसरा है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज मेंशनड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, मतलब कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया कोई भी कार्य क्या है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये 96 में बताया गया है। अगला है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ईटीसी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो अनसाउंड माइंड के द्वारा जो विकृतचित व्यक्ति है उनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत उसमें नहीं लाया जाता है। किस में बताया गया है? तो ये 98 में आईपीसी में बताया गया है। पांचवा सवाल है, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ इज मेंशनड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो ये है आईपीसी 100 में बताया गया है कि कब जो है बॉडी संबंधित प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु तक कारित की जा सकती है। और छठा सवाल आपके लिए है, वैन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म्स अदर देन डेथ इज मेंशनड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो वो कौन सी धारा है आईपीसी की जिसमें बताया गया है कि मृत्यु से भिन्न कुछ भी कारित कर सकते हैं? किसमें? बॉडी मतलब शरीर संबंधी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार में। तो यह है 101 आईपीसी में बताया गया है। सातवां सवाल देखें, When the right of private defense of the property extend to causing death is mentioned under which section of IPC? मतलब संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा के अधिकार में कब मृत्यु तक कारित की जा सकती है? तो ये किस में है? सेक्शन 103 में बताया गया है IPC के। When right of private defense of the property extend to causing any harm other than death? तो संपत्ति संबंधी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु से भिन्न कोई भी कृत्य कारित करना, ये किस में दिया गया है? तो आईपीसी 104 में बताया गया है। चलिए देखते हैं नवा सवाल। नवा सवाल है, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज मेंशनड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, आईपीसी 120 के बी में उसके बारे में बताया गया है। वहीं आईपीसी 120 के ए में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया है। चलेंगे आगे। दसवां सवाल है, अनलॉफुल असेंबली इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, तो आईपीसी के 141 में अवैध जमाव को परिभाषित किया गया है। ग्यारहवां सवाल है, फॉर एन अनलॉफुल असेंबली हाउ मेनी पर्सन्स आर नीडेड एज पर आईपीसी, तो यह है कितना? पांच या पांच से अधिक व्यक्ति जो है उसको अवैध जमाव में माना गया है। बारहवां सवाल है, पनिशमेंट फॉर राइटिंग दंगा करने के लिए दंड जो है बलवा, सॉरी दंगा नहीं, यहाँ पर राइटिंग होगा बलवा, तो बलवा के लिए जो है दंड किस में बताया गया है? तो आईपीसी 147 में बताया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण धारा है वो है 13वां सवाल में, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो 186 में बताया गया है कि कोई पब्लिक सर्वेंट को
उसके ड्यूटी डिस्चार्ज करने में अगर कोई बाधा देते हैं। ठीक इसी से मिलता जुलता सेक्शन है 146 रेलवे एक्ट, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी रेलवे का जो भी है रेलवे का कर्मचारी है या रेलवे का अधिकारी है, उसे रेलवे सर्वेंट है, उसके कार्य में बाधा पहुंचाते हैं तो वो पनिशिबल है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इंटरलिंक करके। चलिए 14 नंबर सवाल देखें। पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, तो 193 में बताया गया है किसके लिए, फॉल्स एविडेंस के लिए दंड, मिथ्या कथन के लिए या मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। 15वां सवाल है इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो ये आईपीसी 228 में इसके बारे में बताया गया है कि कोई भी अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में न्यायिक कार्रवाई में बैठा है तो उसकी अगर आप बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं या उसके कार्य में बाधा करते हैं तो आप 228 के पनिशमेंट होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको 3A जो भी है 3ARPUP एक्ट में भी जा करके जुड़ता है। 16वां सवाल कल्पेबल होमिसाइड इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन, कल्पेबल होमिसाइड जो है वो 299 में बताया गया। आगे चलते हैं तो पनिशमेंट फॉर मर्डर इज डिफाइंड इन विच सेक्शन, तो 302 में मृत्यु के लिए दंड। डॉरी डेथ इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, दहेज हत्या 304B में। अटेम्प्ट टू मर्डर इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, अटेम्प्ट टू मर्डर दैट इज 307। आइए देखते हैं 20वां सवाल हर्ट एंड ग्रेवियस हर्ट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो 319 और 320 में चोट और गंभीर चोट को डिफाइन किया गया है। 21वां सवाल है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो स्वेच्छा से जो है स्वेच्छा ग्रेवियस हर्ट गंभीर क्षति कह सकते हैं या गंभीर चोट जो है उसके लिए दंड क्या है 325 में बताया गया है। चलेंगे 22वें सवाल पर कॉजिंग हर्ट बाय मींस ऑफ पॉइजन ETC विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, जिसको कि ड्रगिंग कहते हैं, इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 328 में इसके बारे में बताया गया है आईपीसी में ड्रगिंग के लिए पनिशमेंट। 23वां सवाल है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है वो डिफाइन किया गया है किस सेक्शन ऑफ आईपीसी में, आईपीसी के किस धारा में, तो 339 और 340 में इसे डिफाइन किया गया है। 339 में क्या है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन को डिफाइन किया गया है 339 में, एंड 34 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को किया गया है। चलेंगे आगे 24 नंबर सवाल पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, क्या ये 341 और 342 में जो है इनके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, मतलब कि 339 में जो है डिफाइन किया गया है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को और दो जोड़ी है उसमें, तो 341 में इसका पनिशमेंट है। वहीं 340 में जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को डिफाइन किया गया है और दो जोड़िए 342 में इसका पनिशमेंट है। आगे चलेंगे असॉल्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो ये 351 में इसे डिफाइन किया गया है। वहीं 26 नंबर सवाल देखेंगे किडनैपिंग एंड पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, मतलब किडनैपिंग और पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग कहाँ है, तो 359 में क्या है किडनैपिंग को डिफाइन किया गया है और 363 में इसका पनिशमेंट दिया गया है। चलेंगे 27 नंबर सवाल पर 27वां सवाल है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, यहाँ 370 में इसे डिफाइन किया गया है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन इन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन, तो ट्रैफिकिंग को क्यों यूज किया गया है, क्योंकि रेलवे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी केस देखा जाता है, इसलिए ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। चलते हैं रेप एंड पनिशमेंट फॉर रेप इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो 375 में रेप को डिफाइन किया गया है एंड 376 में इसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। वहीं अननेचुरल लस्ट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी और प्राकृतिक लस्ट जो है वो किसमें है 377 में बताया गया है। थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो थेफ्ट को चोरी को परिभाषित किया गया है 378 में और चोरी के लिए होने के लिए पांच चीज़ों की आवश्यकता होता है, पांच चीज़ें फाइव थिंग्स आर रिलेटेड विथ थेफ्ट्स या फाइव थिंग्स इज नेसेसरी इन प्रोसेस ऑफ थेफ्ट, पांच चीज़ों की
आवश्यकता होती है, वो पांच चीज़ें मेरे वीडियोस में दिए गए हैं। अगर आप वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर नीचे प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो सकता है। चलेंगे 31st नंबर सवाल पर, पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट किस में बताया गया है, तो 379 में पनिशमेंट बताया गया है। वहीं 32 नंबर सवाल है, एक्सटॉर्शन एंड पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन किस में बताया गया है आईपीसी में, तो 383 में एक्सटॉर्शन के बारे में बताया गया, वहीं 384 में उसके पनिशमेंट्स के बारे में, सॉरी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। चलेंगे 33 नंबर सवाल, रॉबरी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, रॉबरी जो है वो किस में परिभाषित है, 390 में परिभाषित है। वहीं डकैती जो है वो कहाँ डिफाइन किया हुआ है, तो 391 में डिफाइन किया गया है। आगे आएंगे हम, अगला है व्हाट इज़ द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर रॉबरी, तो मैक्सिमम 10 ईयर का पनिशमेंट है। एंड पनिशमेंट फॉर रॉबरी इज़ डिफाइंड अंडर हिच सेक्शन, तो पनिशमेंट किस में है, 392 में है। तो यहाँ पर भी वही दो जोड़िए, 390 में दो जोड़िएगा तो पनिशमेंट पे आइएगा। एंड पनिशमेंट फॉर डकैती जो है इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, ये 395 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे 38वें सवाल पर, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो ये 403 में डिफाइन किया गया है, और ये आपको जुड़ता है 3RP UP एक्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये क्या है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी वहाँ पर है, तो ये सेक्शन वहाँ पर जा करके जुड़ता है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आएंगे 39 नंबर सवाल पर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो डिस्क्राइब किया गया है इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो 405 में क्या किया गया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बताया गया है। एंड वहीं 406 में क्या किया गया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को ट्रस्ट के पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। स्टोलन प्रॉपर्टी इज डिफाइंड विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो 410 में इसे डिफाइन किया गया है। आइए देखेंगे 41 नंबर सवाल, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन, तो रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 411 में जो है ये बताया गया है। वहीं 42 नंबर सवाल देखें, मिसचीफ एंड पनिशमेंट फॉर मिसचीफ इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो 425 में जो है मिसचीफ को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। वहीं 426 में इसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण धारा है, मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस ETC डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो 436 में मिसचीफ बाय फायर के बारे में बताया गया। मान लीजिए किसी किसान का फसल लगा हुआ है और आपको उससे दुश्मनी है, आप उसके खेत के फसल को जला के राख कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो आप इस धारा के दोषी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो ये 441 में जो है क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में बताया गया है। चलेंगे 45 नंबर पे, हाउस ट्रेसपास इज एंड पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन, तो ये थोड़ा दूर है इसलिए इसे एक साथ कवर किया गया है। 442 सेक्शन में हाउस ट्रेसपास को डिफाइन किया गया और उसका पनिशमेंट 448 में है। चलिए देखते हैं 46 नंबर सवाल, हाउस ब्रेकिंग एंड पनिशमेंट फॉर हाउस ब्रेकिंग इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो 445 में हाउस ब्रेकिंग को जो है डिफाइन किया गया है गृहवेदन को, और 453 में इसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। 47 नंबर सवाल देखेंगे, डिफेमेशन एंड पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो 499 में जो है 499 में डिफेमेशन जो है उसे मानहानि को परिभाषित किया गया, वहीं 500 में इसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे 48 नंबर सवाल, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हाउस ऑफ ए वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो ये 498 के ए में इसके बारे में बताया गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है, और इसी जगह पर आप 497 भी याद रखें, 497 एडल्ट्री से जुड़ता है, तो एडल्ट्री को भी याद रखें क्योंकि इस पर डिसीजन पिछले साल आया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन था, और व्यभिचार जो है वो 497 में है। चलेंगे सेकंड लास्ट सवाल पे, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, तो 510 में इसे डिफाइन किया गया है, 510 में, कि अगर आप ड्रंकन कंडीशन में मिसकंडक्ट करते हैं किसी पब्लिक के साथ, तो
एंड लास्ट सवाल जो है, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशिबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो 511 जो सबसे लास्ट सेक्शन है, मतलब कुल 511 धाराएं आईपीसी में है, सबसे अंतिम धारा जो है वो पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं 378, ठीक है, रेड विथ 511 आईपीसी लिख दें, तो इसका मतलब आप चोरी करने गए लेकिन चोरी कर नहीं पाए, अटेम्प्ट टू थेफ्ट आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस किया है। आशा करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक वीडियो साबित होगा। अगर लाभदायक लग रहा है तो ज़रूर लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। और मेरे मुहिम को याद रखिए कि 1000 लोगों को इस बार पास होना है रूल 72 में। बाकी जो होना था 70 हुआ, उससे पहले बहुत एग्ज़ाम हुए जो लोग पास किए उनको नहीं, मेरा 72 का टारगेट है 1000 कैंडिडेट का। तो इस मुहिम के लिए मुझे साथ दीजिए और आप लोग जमकर मेहनत करिए, मैं आपके लिए जमकर मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, तभी जा करके आपको जो है सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अंत में, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।